आज हम सिमडेगा जिला के कोलिबिरा प्रखंड के अंतर्गत डोमटोली पंचायत में आए हैं। ये डोमटोली पंचायत के कैराबेड़ा गांव है, जहां पर कई मूलभूत सुविधा नहीं है, जैसे हुआ रोड, बिजली, पानी। पानी की बात करें हम तो पानी, इस नदी के पानी पीकर आदमी अपना प्यास बुझा रहे हैं, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। सबसे लोगों की मूलभूत सुविधा होती है बिजली, पानी और रोड। ये तीनों सुविधा इस गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जल योजना की बात करें तो सरकार ऐसे ऐसे जगहों में योजना दे रही है जहां पर ज़रूरत नहीं है, पर यहां के लोगों को इसकी काफ़ी ज़रूरत है, जिससे यहां के लोग यहां का पानी को न पीकर अच्छे पानी को पिए, नदी के पानी को पीने में विवश हैं। यहाँ पर चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है और लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों के लिए पानी की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। और ये कोलिबिरा ब्लॉक और प्रखंड कार्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी में है, जो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और अगर दूसरे रास्ते से हम तो मात्र 5 किलोमीटर में आप पहुंच सकते हैं इस रास्ते पे, जिससे यहाँ ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंच पाता। आज इस गांव में एक जनप्रतिनिधि, जिला परिषद जो अध्यक्ष है, वो आई है और वो ये लोगों की समस्या को जानी है। आइए जानते हैं उनका कुछ का क्या कहना है इस संदर्भ में। एक छोटा सा बस्ती है कैराबेड़ा, मैं अभी पहुंची हुई हूँ। मुझे बार बार यहाँ के बारे शिकायत आया करती थी, लेकिन आज सही में मैं यहाँ आकर देखी, जहाँ मैं खड़ी हूँ ये नदी है, छोटा सा नदी है, लेकिन यहाँ आवागमन नहीं किया जा सकता है। इसलिए लोगों ने अपना प्रयास से यहाँ पर लकड़ी को बिछाकर आवागमन के लिए बनाया है। बस यही पुल में अभी खड़ा हुई हूँ और यही नदी आप जहाँ देख रहे हैं, यही नदी का पानी लोग पी रहे हैं अभी भी। इतना 75 साल देश का आज़ादी हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, अभी भी समस्याओं से जूझ रही है। तो मैं उपायुक्त महोदय से यहाँ के बारे अवगत कराऊंगी। लाइव लगातार सिमडेगा से मैं पंचायत। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।